तो देखिए व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए अलग सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी तोरे की। तोरी खाना बहुत कम लोगों को पसंद है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आज मैं इसको गया और इसको बनाओगे और खाओगे तो आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं पता थी। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, बोल ही नहीं सकता कि आपने तोरी की बनाई है। तो ये मैंने एक पाव भी, और इसको मैंने वॉश कर लिया है। अभी मैं इसको पील करूँगी, तो चलिए इसको छील लूंगी, डाल देंगे। आज हम बनाएंगे तोरी के कोफ्ते। टाइटल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या रेसिपी है। तो जैसे हम तोरी की सब्जी बनाते हैं और वो बन के किलो भी बनाए, हम आधा किलो बनाए, बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है क्वांटिटी, लेकिन जब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं तो इसकी थोड़ी सी तोरी से बहुत ज़्यादा सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाती है। इसमें तो थोड़ी ही लगती है, तो देखना और सेम मेथड से बनाना, अगर स्वाद ना लगे फिर कहना, एक बार बना के ज़रूर देखिए। मैंने पहले खुद पे ट्राई किया है, बनाया है, इसको खाया है और ये सबकी फेवरेट हुई है, तो मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, तो ट्राई करना ज़रूर। जब घर में कोई तोरी ना खाए तो आप इस वे में बनाएं और पूछ के देखना कि तोरी के बने हैं, आप मत बताना, कोई गैस ही नहीं कर सकता कि आपने कोफ्ते तोरी के बनाए हैं। तो मैं इन सबको छील लूँगी और फिर हम इसको, देखिए व्यूअर्स, ये मैंने छील ली है। अब हम इसको जिस मर्जी साइड से आप कर सकते हैं, पतली साइड से भी कर सकते हैं, मोटी साइड से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं ये सारी कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैं मोटी साइड से करूँगी और कुछ मैं पतली साइड से करूँगी, मैं दोनों साइड यूज़ करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये सारी मैंने कद्दूकस कर दी है, और जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है इसको मैं अलग निकाल रही हूँ, इसको हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके तोरी में घी ऐसे ज़्यादा होता है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट इसमें बेसन नहीं मिलाएंगे, इसको हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, थोड़ा इसका पानी निकाल देंगे, हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, सारा यूज़ नहीं करेंगे। देखिए हम निकाल लेंगे और इसको हम ऐसे ही बिना पानी के ही घोलेंगे, ऐसे करके हम अपनी। देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने निचोड़ लिया, वो बड़े से बर्तन में डाल लिया। मैं इसमें डालूंगी, ऐड करूंगी इसमें मैं बेसन। बेसन आप घोल के, पतला है तो थोड़ा और डाल लो, 5-6 चम्मच डाल दूंगी, फिर कितना डल जाएगा। फिर मैं इसको मिला के देख लूंगी, कम लगेगा तो मैं दोबारा भी ऐड कर लूंगी इसमें, ऐसा नहीं है कि एक बार में मिलाना है। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कुछ हल्दी पाउडर, मिर्च, गिनी चुनी चीज़ें, कुछ ही मसालों से बनती है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आधा टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी नमक, बस और कुछ नहीं डालना है। अब मैं इसको अच्छे से मिला दूंगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा है स्लो पे गरम होने के लिए, तब तक वो गरम हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने बना के तो रखना नहीं है ज़्यादा देर, पानी छोड़ देगी नहीं तो ये और भी ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें नमक मिलाया है। देखिए अभी यहाँ पे आपको बेसन कम लगता है तो आप मिला सकते हैं, बैटर को देख के जितनी भी ज़रूरत हो उतना। देखिए हमने पानी को इसको निचोड़ लिया था और तब भी कितना मॉइस्चर है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसमें बेसन। देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड करेंगे, छोटे छोटे डालेंगे हम, ज़्यादा बड़े नहीं, सिर्फ जो कि सुंदर भी लगने चाहिए। और इसमें हमने कोई मीठा सोडा किया, आपने देखा है सिंपल से मसाले हमने इसमें डाले हैं। और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं डालेंगे कि पलटते टाइम ही टूट जाए, जितने की ज़रूरत है सिर्फ हम उतने ही कर लेंगे, बस उतने ही डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। गैस का फ्लेम हाई है,
से पलट लेंगे हम इनको सारों को। फ्लेम अब मैं मीडियम पे कर दूंगी कि ये अंदर से भी पक जाएं, कच्चे ना रहे, तो मैं होने तक हम इनको पकाएंगे। और व्यूअर्स आप एक बार इनको मेरे कहने से ज़रूर बना के देखना, आपको डेफिनेटली ये बहुत पसंद आने वाले हैं। घिया के तो हर कोई बनाता है, आप घिया का टेस्ट भूल जाएंगे इसके आगे। मोस्टली तोरी कोई खाता नहीं है, किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप ये बनाएंगे तो ये सबको पसंद आने वाले हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ, जब मैंने कोफ्ते डाले हैं तो हाई था, उसके बाद मैंने इसको मीडियम कर दिया। ये हो गए, मैं इनको निकाल देती हूँ। केवर्स कितने अच्छे कोफ्ते हमारे छोटे छोटे और बड़े प्यारे बन के रेडी है, इसका काम हमारा डन। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे तड़का, और तड़के के लिए आज हम कोई मिक्सी कोई ग्राइंडर कोई यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम यूज़ करेंगे अपने कद्दूकस का। तो इसको रखते हैं हम साइड में, और ये मैं ले लेती हूँ प्लेट। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 4 टमाटर, बिना प्याज के हर हम बनाएंगे, ऑप्शनल है, आपका मन है, आप खाते नहीं हैं अगर सिर्फ टमाटर का, तो आप अपना लहसुन प्याज जो भी यूज़ कर सकते हैं सेम जैसे आप घिया के कोफ्ते में करते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टमाटर से। आप टमाटर से भी बनाएंगे तो भी आप नंबर वन इसका टेस्ट आने वाला है, आप बना के देखना, प्याज से तो हर कोई बनाता है। और मैं इसमें यूज़ करूँगी कुछ हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें यूज़ करूँगी अदरक। तो इसको मैं कर लूँगी कद्दूकस, चलो कर ली। देखिए व्यूअर्स, मैं कद्दूकस कर रही हूँ उसको, टमाटर को ऐसे, ये बहुत ईजिली हो जाता है, बारीक साइड से मैं कर रही हूँ। ये देखिए छिलका आराम से अलग हो जाता है, इसको हमने नहीं डालना, इसको अब हम फेंक देंगे। ऐसे ही हम अपने सारे टमाटर कर लेंगे। मिक्सी नहीं है आपके पास, या निकालने का मन नहीं है, या उसमें दूसरा काम आप कर रहे हैं, तो आप ऐसे कद्दूकस होना चाहिए बस। देखिए कितना अच्छा, एकदम छिलका अलग हो जाता है, देखिए कितना अच्छा हमारा ये हो गया। और ऐसे मैं साइड टमाटर करूँगी, और ऐसे मैं ये करूँगी अदरक। देखिए हमने अपने साइड टमाटर को ऐसे कद्दूकस कर लिया, कितने बारीक हुआ है, मिक्सी से भी ज़्यादा बारीक। और ये हरी मिर्च को हमने ऐसे कट कर लिया, ये टमाटर का पानी है, ये हमने रखना है इसी में ही, फेंकना नहीं है। तो अब हम अपनी कढ़ाई में तड़के की तैयारी करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं ये देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं आपके पास हो, तो ये जिसमें भी आप खाना बनाते हैं आप वो चीज़ यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है मैंने घी डाला तो आप भी घी डालें। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी हींग, एक तेज़पत्ता खुशबू के लिए, एक दालचीनी, ऑप्शनल है, आप सिंपल जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये हो जाए, किचन में ना हो। ये देखिए मैं डाल दूंगी अपने टमाटर, स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर में डालूंगी 1/4, क्योंकि मैंने हरी मिर्च मिलाई है, 1/4 से भी थोड़ा कम, ये जो हरी मिर्च है मेरे पास ये बहुत ज़्यादा तीखी है, थोड़ी डालूंगी, 1 चम्मच टीस्पून भर के मैं नमक डाल लूँगी, कम ज़्यादा हम बाद में चेक कर लेंगे। और हल्दी धनिया पाउडर 1/4 ये मैं डाल लूँगी, 1 मिर्च। अब हम इसको भूनेंगे, इसको भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे हम थोड़ा, जब तक ये अपना ये घी ना ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें, तब तक हम अपने टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। हो गया हमारा मसाला, ये ऑयल छोड़ रहा है, बहुत जल्दी बस भून जाएगा, बस बॉईल आ चुका है अच्छे से। अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे।
इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर लें, कम ज़्यादा, कम है तो और ऐड कर लें। वैसे भी नमक हम पहले कम ही डालते हैं, क्योंकि कम है तो हम और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ बॉईल कराऊंगी, उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि ये जो पानी है, मसाला है इसका, अच्छे से इसमें अंदर तक चला जाए, और उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूंगी खाने के लिए। अभी मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी, बस ये 1 या 2 मिनट मैंने पकाने हैं, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। कर रही हूँ बंद, कोफ्ते हमारे रेडी हैं, तो अभी मैं इसको रख दूंगी ढक के। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी और यूनिक रेसिपी हमारी बन के रेडी है। ये देखिए तोरी के कोफ्ते, और सिर्फ आपके सामने 3-4 तोरी से हमने कितने सारे, इतना बड़ा कोल बन के हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। तो आई होप आपको पसंद आए मेरी रेसिपी, मेरी पूरी कोशिश है, और मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि मैं आपको वही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसको मैं खुद ट्राई कर चुकी हूँ, जिसको मैं बनाती हूँ और जिसका टेस्ट A1 होता है। तो आप मेरी रेसिपी बना के देखें, ट्राई ज़रूर करें, पसंद आए तो भी बताएं, ना आए तो भी ज़रूर मेरे को बताएं, मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे को कोशिश रहती है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपने ये बनाई, ये मेरी रेसिपी देखी, ये बनाई और आपको अच्छी नहीं लगी, और आप इसको बना के देखो कि ये, मैं कहती हूँ कि आपके घिया के कोफ्ते इस रेसिपी के आगे फेल है, वो बनाना आप भूल जाएंगे अगर एक बार आपने ऐसे तोरी के कोफ्ते बनाए तो। बनाएं और सबको खिलाएं, और मुझे ज़रूर बताएं इसके, और बिना प्याज के, आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, लेकिन आप सिंपल टमाटर से भी बनाएंगे ना तो भी वो इतनी ज़बरदस्त लगने वाली है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊँगी, जैसे कि इसमें आपको ये ग्रेवी कम लगे, पानी कम लगे, हमेशा एक तो जब भी कोफ्ते बनाएं उसको 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दें, ताकि जितना पानी सोखना है कोफ्ते अच्छे से सोख ले, फिर जितना भी आप देखो आपको ग्रेवी कम है तो आप क्या करें, पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लें नमक में डाल के, और फिर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपके यूज़ की हो, आपको बहुत पसंद आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।